Assalamualaikum everyone, this is me, Mehreen Danish. Welcome back to my new vlog. तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक एवं खैर खैरियत से फिट फाट होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ना, वो मैं आज जा रही हूँ सब्जी मंडी। लाइक आप कह सकते हैं कि लाइफ में फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। वैसे तो मतलब जो ये वेजिटेबल शॉप्स होती हैं या दुकानें शुकानें या रेडियो वालों से तो हम लोग लेते ही रहते हैं, मोहल्ले गली मोहल्लों में आते हैं। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि सब्जी मंडी का रेट हमारी जो आम जो शॉप्स हैं वेजिटेबल वाली या जो रेड़ियां शेड़ियां आती हैं उनसे कितना डिफरेंट है। तो चलें जी एक्सप्लोर करते हैं आप और मैं मिलके के मंडी के रेट में कितना फर्क है, और क्या इतना कम फर्क तो नहीं कि हमारा पेट्रोल ही उतना लग जाए। तो चलें जी लेट्स एक्सप्लोर टूगेदर के देखते हैं क्या बनता है मंडी में जाके। अच्छा जी, मंडी के लिए जो मैंने एक दो प्रिकॉशंस यूज की हैं उसमें सबसे पहले मैंने सनब्लॉक लगाया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सन एक्सपोजर उफल्ला, ये जो सनब्लॉक है ना इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अम्ब्रेला जरा मैंने इसलिए नहीं पकड़ी कि अम्ब्रेला पकड़ूंगी कि सब्जियां देखूंगी। और साथ ही जी दूसरी जो प्रिकॉशन मैंने यूज की है वो है कि बन शूज पहने आप लोग जरूर हर हाल में, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वहां पर कीचड़ होगा मट्टी होगी। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को बहुत ज्यादा चलना होता है और उसके लिए मेरा ख्याल से कंफर्टेबल रहते हैं कि आप लोग जो हैं वो शूज पहने, बन शूज जो होते हैं। अच्छा जी, जो तीसरी चीज है वो है मास्क, और जो चौथी चीज है ना वो नंबर वन पे आनी चाहिए, जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ लेकिन अब बताने लगी हूँ, वो है परफ्यूम। प्लीज परफ्यूम जरूर वेयर किया करें कहीं भी जाते हुए, आप एक तो खुद भी फ्रेश रहते हैं और मेरा ख्याल से अगलों को भी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वाटर बॉटल ना मैं हर हाल में जरूर साथ रखती हूँ। एक तो बाहर से पानी इतना एक्सपेंसिव मिलता है, होता है वो भी फिल्टर्ड वाटर ही है, और ये कम से कम ठंडा होता है। तो चलें जी लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर टूगेदर, देखते हैं सब्जी मंडी में हमें जाके क्या। अच्छा, लाहौर की जो सबसे बड़ी मंडी है ना वो है रावी रोड, लेकिन वो हमारे घर से बहुत दूर है, हमारे घर से करीब लगती है काने की मंडी। तो हम लोग वहां पे जा रहे हैं, रास्ता मैं आपको कुछ बताती जाती हूँ, अदरवाइज आप लोग गूगल मैप भी लगा लें तो मेरा ख्याल से कोई इतना मसला नहीं है। और मेरे साथ जा रही हैं दीपा भाजी। तो आज हम लोगों ने अच्छी तरह एक्सप्लोर करनी है एक एक चीज की, मैं आपको रेट बताऊंगी। वैसे तो जो रेट्स हैं वो डे बाय डे चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी कितने ही अप एंड डाउन हो जाएंगे। भाई अदरक किस तरह और लहसुन? 600 रुपए किलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्याज किस तरह है? 650 का 5 किलो। 650 का 5 किलो, 130 रुपए पड़ेगा। टमाटर किस तरह है भाई? 600 रुपए। प्याज किस तरह? भिंडी किस तरह? भिंडी अरबी और बैंगन? यहाँ ना मंडी में भी आपको घूम फिर के चीजें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे इतना रेट मतलब शॉप टू शॉप बहुत चेंज है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये टमाटर किस तरह? और लहसुन? लहसुन और अदरक? अच्छा, ये जो सब्जी मंडी है ना यहाँ पे भी आपको आके ना ये जो ठग लोग होते हैं इनसे आपको बहुत ही बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि हर शॉप का ना जो रेट है वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। लाइक कहीं पे आपको जो आलू है वो 120 मिल रहे हैं, कहीं पे 100 और कहीं पे 80, लेकिन एक ही क्वालिटी के। और उसके बाद जो टमाटर है उसके भी रेट बहुत हर जगह पे डिफरेंट है, प्याज के भी हर शॉप टू शॉप जो है वो डिफरेंट है। लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि जी हमारे पास क्वालिटी अच्छी है, हमारे पास क्वालिटी अच्छी है, लेकिन क्वालिटी हर एक के पास ही बहुत अच्छी पड़ी हुई है, लाइक एक ही लेवल की क्वालिटी है। और कुछ जाहिर सी बात है आपको देख के चीजें लेनी पड़ेंगी। तो चलें थोड़ा सा और विजिट करते हैं, क्योंकि ये मंडी तो इतनी खास बड़ी नहीं है, लेकिन बहरहाल 150 रुपये किलो। और हरी मिर्चें? अच्छा। प्याज किस तरह?
140। और आलू 100 रुपये किलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। बैंगन किस तरह है? 240 रुपये। और टींडे? 190 रुपये। अच्छा जी, तोरी? 150। अच्छा जी, 2 किलो तोरियां दे दें और 1 किलो टींडे दे दें। अच्छा भाई, आप बताएं अदरक किस तरह है? और लहसुन 1 किलो अदरक दे दें, 1 किलो लहसुन दे दें। मूली किस तरह है? अस्सलाम वालेकुम भाई। अदरक लहसुन किस तरह है? और हरी मिर्चें 120 रुपए किलो, आधा किलो दे दें। ये बताओ हरा धनिया किस तरह है और पुदीना किस तरह? हरा धनिया 300 रुपए किलो, वो वाला 200 रुपए किलो। 3,500 रुपए 5 गठिया। 50 रुपए की 5 गठिया ये दे दो। और 100 का धनिया दे दो। 5 गठिया कर दे दें। 100 रुपए। और ये सलाद के पत्ते किस तरह? 500 रुपए किलो। हरा प्याज किस तरह? 400 रुपए किलो। और गाजरे? गाजर 120, चुकंदर 150। और ये गोभी? गोभी गोभी। अस्सलाम वालेकुम भाई। आड़ू किस तरह? आड़ू भाजी 200 रुपए किलो। अनार? अनार भाजी 300 रुपए। और आम? आम 250। कितने? और अंगूर? अंगूर 250 रुपए किलो। 217 रुपए किलो। अंगूर? अंगूर 400 रुपए किलो। ये कार्टन। और ये वाला सेब जूस वाला? ये 150 रुपए। अस्सलाम वालेकुम भाई। केला किस तरह? 150 रुपए तक। 150 रुपए दर्जन। 120। अस्सलाम वालेकुम भाई। प्याज किस तरह? प्याज 600। 600 की धड़ी है। कुछ कम नहीं करोगे? 550 की धड़ी लगा दो, एक धड़ी दे दो। चलो लगाओ। अस्सलाम वालेकुम। बैंगन किस तरह? बैंगन 200। हाँ जी, टमाटर किस तरह? 150 रुपए किलो। सब्जी ले ली है और अब मैं आपको घर जाके बताती हूँ कि कितनी चोर बाजारी है। तो अभी हम लोग मंडी से हुआ है और अब हम लोग जो लोकल मार्केट है ना, वहाँ से भी एक दफा रेट पता कर लेंगे। ठीक है भाजी, आपको क्या लगता है कि हमें सही सब्जी मिली है? सही मिली। सस्ती? सस्ती। तो मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ना एक बार हम लोग जो लोकल मार्केट है ना, उसमें भी रेट पता कर लेते हैं एक दो शॉप से, तो देखते हैं कि कितना डिफरेंस। अब हम लोग खाएंगे जी बिरयानी। इतना घूम फिर के बहुत सख्त भूख लग गई है। उसके बाद मैं आपको ना घर जाके बनाना सिखाऊंगी अरबी बैंगन, बहुत ही मजे की अतिका भाजी की रेसिपी के साथ। और आप लोगों को बहुत मजा आएगा, मतलब मेरी रेसिपी देख के इतना मजा आएगा कि आप लोग अरबी बैंगन लेने जाएंगे और उसको पकाएंगे और उसको खाएंगे। तो पहले हम लोग बिरयानी खाते हैं, बताती हूँ उसका भी टेस्ट टेस्ट करके के कैसी है। बिरयानी ना बहुत ही स्पाइसी है और मैंने इसके अंदर रायता डाला है, लेकिन बहुत मजे की है और हर स्पाइस का अपना टेस्ट आ रहा है। मतलब सही वाली बिरयानी है। मेरे से ना घर में आज तक कभी इतने मजे की बिरयानी नहीं बनी है। मैंने हाफ प्लेट मंगवाई थी, हाफ प्लेट का जो रेट है वो है 160 रुपीज। एक इसके अंदर चिकन का पीस था और एक इसके अंदर आलू का पीस था, और जो रायता है वो इन्होंने 20 रुपीज का एक्स्ट्रा दिए। तो बहुत मजे की। अगर आप लोग इस मंडी आए तो इधर से बिरयानी जरूर खाते हुए जाए। किलो किस तरह? 600। और लहसुन? लहसुन भी 600। ये वाला लहसुन? ये आलू? ये 100 किलो 140। प्याज? 180 रुपए किलो। और भिंडी? भिंडी 240। भिंडी 240 की। और अरवी? अरबी भी 240। ओए होए। और हरी मिर्चें किस तरह? 250। अच्छा, बैंगन किस तरह? 350। 350। और अंबी?
और गाजर 180 रुपये। टींडे, टींडे भाई 160। और तोरी, तोरी भी 160। आ गई है हमारी सब्जी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये हुई, कितनी प्यारी। तो जी सब्जियां मैं ले आई हूँ और मेरा ख्याल से काफी काफी ज्यादा रेट का डिफरेंस है। जैसे टमाटर 100 रुपया थे और जो लोकल मार्केट है वहां पे 160 रुपए थे। प्याज भी वहां से हमें 100 रुपीज का मिला है और जो लोकल मार्केट में मैंने भी आपको शॉप विजिट करवाई थी वो भी 140 का शायद दे रहा था। तो ओवरऑल जब आप मतलब बल्क में सब्जी लेते हैं ना तो मेरा ख्याल से मंडी के रेट्स आपको बहुत ही अच्छे जाते हैं। और जब मैं व्लॉग की एडिटिंग करूंगी ना तो साथ साथ प्राइस मेंशन कर दूंगी रेट, ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए रेट्स देखने के लिए। तो चलें जी, बस अब मेरी हो गई, बस अब मैं थोड़ा सा करूंगी रेस्ट। और आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूला करें, बेल आइकन को हिट किया करें। ये सारी कवरेज कोशिश जो है ये आप लोगों के लिए है और मेरा भी फायदा तो हो ही जाता है, जाहिर सी बात है। इतनी गर्मी के बाद और एक हेक्टिक दिन के बाद ये जो पानी का मजा है ना, इसकी तो क्या ही बात है। बहरहाल जी चलें, अब मैं करती हूँ व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और कोई ऐसी प्लेस जो आप लोग चाहते हैं कि मैं विजिट करूं, आपको कोई रेट का फर्क बताऊं, जैसे मैंने आपको शूज की मार्केट बताई है, कपड़ों की मार्केट बताई है, फ्रूट की भी बता दी है और ये सब्जियों की भी बता दी है, अब क्या रह गया, आप लोग प्लीज मुझे सजेस्ट करें। तो तब तक के लिए बाय।